हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6, एंड जिसमें हमने बस अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को जो है उनकी फिजिकल एप्लीकेशंस देखनी है और हमने बेसिकली कंपेयर करना है. तो द चैप्टर द टॉपिक्स नेम इज़ द इफेक्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. क्योंकि चैप्टर में हमने बॉन्डिंग को फुल डिटेल में पढ़ा है तो अब हमने उसका इफेक्ट देखना है, द इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स, कि जो भी आपका कंपाउंड है उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बॉन्डिंग का क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो इसके अंदर हमने वही बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने समराइज करना है. अब हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इनमें बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच नो केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व्ड. जैसे कि बॉइलिंग है, बॉइलिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, दीज आर द फिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज जिनके अंदर केमिकल चेंज जो है वो इन्वॉल्व होता है. अब दीज प्रॉपर्टीज जो सी हमने स्टडी की, फिजिकल एंड केमिकल, इन प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑन दी ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर. अब ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, दे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम. कि आपके पास जो है कंपाउंड उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी हो रही है वो डिफाइन करेंगी इन प्रॉपर्टीज को. अब बॉन्डिंग की हम बात करते हैं तो मेनली जो बॉन्डिंग है किसी भी कंपाउंड्स की दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जो कि हमें पता है आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं. तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में मेनली इन दो बॉन्डिंग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रॉपर्टी को लेता हूँ, सोलुबिलिटी की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड में सोलुबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है, कैसे फ़र्क होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है. तो दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर दिस टॉपिक विल कंटिन्यू. तो सबसे पहला जो है दैट इज़ द सोलुबिलिटी. सोलुबिलिटी होती क्या है, सोलुबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी सोल्यूट ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट. विच अगर हम वाटर के अंदर नमक डालते हैं तो वो बहुत जल्दी से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो हम कहते हैं नमक की सोलुबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा है. तो सोलुबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू डिसॉल्व. अब हम पहली बात करेंगे इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, कि आयनिक कंपाउंड्स की सोलुबिलिटी जो है वो कैसी होती है, वो क्या ट्रेंड शो करती है. तो आयनिक कंपाउंड्स की अगर आप बात करें तो सोलुबिलिटी का एक जनरल असूल है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अगर आप दो चीज़ों को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को डिसॉल्व करेंगी. अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दे आर नॉर्मली पोलर कंपाउंड्स, तो दे विल बी डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स. अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट आ जाए जो कि पोलर है तो आयनिक कंपाउंड्स उनके अंदर बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे. मैं जनरल बात करता हूँ, हम टेबल सॉल्ट लेते हैं, NaCl, ये पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर के अंदर जो है फौरन डिसॉल्व हो जाता है. क्यों, क्योंकि वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. तो वो यही कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर मोस्टली सोल्युबल इन वाटर. बट इन सोल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इन सोल्युबल इन दो सॉल्वेंट्स जो कि क्या हैं, नॉन एक्वस हैं, मतलब उनके अंदर वाटर जो है वो मौजूद नहीं है. क्यों, क्योंकि वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. तो कोई ना कोई चीज़ मैंने यहाँ पे जनरल रूल जो है वो लिख दिया है कि दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन इफ़ यू वांट टू थिंग्स टू डिसॉल्व.
अब हम चलते हैं सोलुबिलिटी की साइंस के पीछे कि कोई चीज़ डिसॉल्व कैसे होती है, या वाटर के केस में अगर हम बात करें तो वाटर जोन सा है वो किस तरह से उनको डिसॉल्व करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसी एग्जांपल की, NaCl ही जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे। जब नाउ यू नो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसको अपनी तरफ जो है वो खींचना शुरू कर देंगे, और खींचने से क्या होगा कि वाटर के अंदर जाते ही ये NaCl जो इस शक्ल में आया था एक दूसरे को खींच रहा था, ये जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा इट विल बी सेपरेटेड इनटू इट्स आयंस, ये Na प्लस अलहदा हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, और दे विल बी रोमिंग अराउंड इन दी वाटर। क्या हुआ कि वाटर ने जो है इसको अपनी तरफ खींच लिया, वाटर ने क्या किया इनको डिटैच कर दिया, इनको अलहदा अलहदा कर दिया, एंड दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि आपके पास जो हाइड्रेशन हुई है, इसको कहते हैं इस प्रोसेस को हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी बिटवीन दी कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है कि जो आपके पास लैटिस एनर्जी है, आपने सॉलिड की शक्ल में क्रिस्टल अपना डाला, आपका जो NaCl आया था वो सॉलिड था वो क्रिस्टल था, और क्रिस्टल से अगर आप रिवाइंड करें अपने फोर्थ चैप्टर को तो उसमें हमने पढ़ी थी क्रिस्टल लैटिस, और लैटिस की जब हमने बात की थी तो देर वॉज अ टर्म जिसको हम पढ़ के भी आए हुए हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है कि अगर NaCl का एक ब्लॉक है तो इनको एक दूसरे ने जो खींच के रखा हुआ है दे हैव सम एनर्जी, तो हाइड्रेशन बाहर होगी, हाइड्रेशन है आपके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से तो ये इसको तोड़ देगा, अलहदा कर देगा। जाहिर सी बात है अगर दो चीज़ों को मुझे तोड़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो मैगनेट हैं ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे जितनी फोर्स से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं मुझे उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इनको सेपरेट कर सकूं। सिमिलरली NaCl जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, वो एनर्जी है लैटिस एनर्जी, और मुझे इनको अगर सेपरेट करना है तो मुझे इस लैटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि हाइड्रेशन एनर्जी है जो कि वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, और आयनिक कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इस वजह से आपके पास इनकी सोलुबिलिटी जो है पानी के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं, देर आर वेरी फ्यू सम आयनिक कंपाउंड्स, उनकी जो लैटिस एनर्जी है उनकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर है हाइड्रेशन एनर्जी से, और जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसोलुबल इन वाटर। लेकिन मोस्टली जो उनसे हैं सारे के सारे आयनिक कंपाउंड वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सोलुबिलिटी थी अबाउट द आयनिक कंपाउंड। अब हम चलते हैं सोलुबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड उसके, अब हम चलते हैं बी पार्ट के अंदर जो कि है सोलुबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की सोलुबिलिटी जो होगी वो उसके लिए भी फार्मूला वही है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉन पोलर, तो ये क्या करते हैं दे आर इजीली डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं जो कि कोवलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉर्मली कहते हैं, जैसे कि बेंजीन है आपके पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसी तरह ईथर है, दीज आर दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो ये अपने अंदर और कोवलेंट कंपाउंड्स को बासानी जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। पानी के साथ जो उनसे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर इनसोलुबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि दे हैव नथिंग इन कॉमन। अ वेरी फ्यू कोवलेंट कंपाउंड्स जो उनसे हैं आपके पास, वेरी फ्यू, वो डिसॉल्व हो जाते हैं।
इन वाटर. उसकी क्या वजह है, कुछ कंपाउंड्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर के अंदर भी मौजूद है. वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है इन दीज टू कोवलेंट कंपाउंड्स एंड वाटर, वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर. ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर सोलूबल इन वाटर. हम बात करते हैं अल्कोहल की. अल्कोहल कैन बी इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है, अल्कोहल का फार्मूला होता है इस तरह का. आर अल्काइल ग्रुप है OH. दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव. और ये जो उनका पार्शियल पॉजिटिव है, ये इर्द गिर्द मौजूद दूसरे जो उनसे हैं अल्कोहल्स, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाता है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कॉमन चीज़ इनके अंदर है, इसकी वजह से अल्कोहल एंड वाटर आर सोलूबल. तो बहुत फ्यू कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दे आर सोलूबल इन वाटर, रेस्ट आर इनसोलूबल इन वाटर. तो ये पहली प्रॉपर्टी थी अबाउट द सोलूबिलिटी. सेकंड प्रॉपर्टी इज द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा. इसकी डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन अ कंपाउंड हैव व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. अगर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी आइसोमेरिज्म. तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो है नो आइसोमेरिज्म. और उसकी वजह ये है कि आपके पास जो आयनिक बॉन्ड होता है, उसकी उसके अंदर होता क्या, बेसिकली पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींच रहा होता है. तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सी होती है आयनिक कंपाउंड्स के केस में, वो इनके बॉन्ड्स को जो सा है वो नॉन रिजिड बना देती है. और जब ये रिजिड नहीं होंगे, तो इनके दरमियान आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा. तो आयनिक कंपाउंड्स शो नो आइसोमेरिज्म. अगर हम चलें अब कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ, कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनके जो से कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से दे आर रिजिड एंड दे आर डायरेक्शनल. उनकी डायरेक्शन भी होती है एंड दे आर रिजिड. इसकी वजह से क्या होता है कि आइसोमेरिज्म के चांसेस जो से हैं वो मुमकिन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपकी बुक वाली ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, C2H6O. दिस इज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. अब इसके दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं. पहला स्ट्रक्चर तो आपके पास ये है कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. तो आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर 6, नंबर ऑफ कार्बन आर 2 एंड 1 ऑक्सीजन. जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास CH3 CH2 विद OH. तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट कंपाउंड है और वो डिफरेंट कंपाउंड है. इसका नाम है एथानॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं. और ये जो है, ये आपके पास डाई मिथाइल ईथर है कि दो तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 इधर CH3, तो इट इज़ डाई मिथाइल. और जब दो R ग्रुप्स के दरमियान ऑक्सीजन लगी हो, तो वो ईथर फैमिली होती है. तो दिस इज़ डाई मिथाइल ईथर. तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है. इसकी वजह क्या है कि आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल. तो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी अबाउट द आइसोमेरिज्म.
third property and the last one is the reaction kinetics. What are the reaction kinetics या kinetics का क्या मतलब है? इसका पूरा chapter है जो इस book के आखिर में हम study करेंगे. For the time being, if you don't have the concept, आप इसको ऐसे समझेंगे reaction kinetics वो होते हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि reaction की जो है speed क्या होगी, reaction slow है या fast है, या क्यों है slow या fast. तो reaction kinetics में जब हम ionic compounds की बात करेंगे तो ionic compounds जो उनसे हैं they are very fast और इनकी fast होने की वजह जो है ionic compounds के वो ये है कि आपके जो उनसे कंपाउंड्स हैं या किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्शन की स्टडी करें. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए और बी जो हैं इन्होंने सी और डी के साथ मिलना है और इन्होंने जो नई चीज़ें बनानी हैं दैट इज़ ए सी एंड बी डी. तो इस रिएक्शन में दो काम होने हैं. पहला इज़ दी बॉन्ड ब्रेकिंग. क्या होगा? पहले सबसे पहले ए और बी अलहदा अलहदा होंगे, इसी तरह सी और डी अलहदा अलहदा होंगे एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन. इसके अंदर क्या होगा कि ए सी से बॉन्ड बनाएगा और बी जो है वो डी से बॉन्ड बनाएगा. अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आधा काम पहले ही हो चुका होता है. जब हम आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डालते हैं और उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला काम जो है वो अलहदा हो चुका होता है. जितने भी आयंस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. इसको हम अभी सॉल्युबिलिटी में भी पढ़ के आए थे. तो आधा काम पहले ही हो जाने की वजह से आधा जो बाकी का काम है ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन का वो फिर इतना टाइम नहीं लेता और हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स के काइनेटिक्स आर वेरी फास्ट, इनके रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं. तो उसकी वजह यही है कि जो पहला पार्ट था बॉन्ड ब्रेकिंग का वो जब भी हम आयनिक कंपाउंड अपना डालते हैं उठा के वाटर के अंदर तो वो आयंस के अंदर सेपरेट हो जाते हैं. अब ये पहले से ही सेपरेट हैं, जैसे ही बाहर से कोई नई चीज़ आएगी जिसने रिएक्ट करना है फौरन रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा और आपके पास न्यू कंपाउंड जो उनसे हैं वो आपको मिल जाएंगे. तो दिस इज़ वाई आयनिक कंपाउंड्स शो वेरी फास्ट रिएक्शंस. Going next on to the covalent compounds. Covalent compounds के केस में क्या होना है? Bond breaking plus bond formation. Both have to take place. At the same time, simultaneously. उसी वक्त में आपके पास बॉन्ड ने टूटना भी है और जो बाहर से नई चीज़ आई है उसने उसके साथ मिल के बॉन्ड बनाना भी है. तो इसकी वजह से इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. इनके जो उनसे रिएक्शन काइनेटिक्स हैं ये जो उनसे हैं रिएक्शन काइनेटिक इनके स्लो होते हैं. और दूसरी वजह ये है कि ये इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनसी है वो भी बहुत कम होती है, बल्कि होती ही नहीं है. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मौजूद होती है आयनिक कंपाउंड में. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब तो आते हैं लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से आयनिक कंपाउंड में आते हैं. जाहिर सी बात है एक ए बॉडी और बी बॉडी है, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये किसी और वजह से नज़दीक आएंगे बाहर की फोर्स लेके. लेकिन अगर ए और बी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज भी इनको क्या करेगा? फौरन एक दूसरे के करीब लाएगा. तो इस वजह से आयनिक रिएक्शंस आर वे मोर फास्टर देन दी कोवलेंट रिएक्शंस. तो रिएक्शन काइनेटिक्स में आयनिक फास्ट होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स आर स्लो. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसको आज हमने कंक्लूड कर दिया. और चैप्टर नंबर 6 इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट चैप्टर ऑफ आवर केमिस्ट्री बुक 1 जिसके अंदर हमने शुरू में पहले डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम जो उनसा है मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर आए जो कि असल असास थी इस चैप्टर का, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग.
जिनमें हमने तीन थ्योरीज जो थी हैं वो स्टडी की थी, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी एंड एमओटी, और उसको हमने डिटेल में स्टडी जो है वो किया था। थर्ड वन इज दी थर्ड एंड दी लास्ट जो इस चैप्टर का हिस्सा था, उसमें हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग के बाद की चीज़ें स्टडी की, जिनमें हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, और फिर हमने डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड चीज़ें, और एंड में हमने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 जो है, और बुक 1 का हाफ से ज़्यादा पोर्शन हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 7 को अपने स्टार्ट करेंगे।